सब हम फाइनली पहुंच चुके हैं मुरथल में, जो फर्स्ट ट्रैम्पोलिन पार्क ओपन हुआ था उसको एक्सप्लोर करने के लिए। इसका नाम है प्लूटस वर्ल्ड और जो इसकी लोकेशन है हवेली के बिल्कुल ही साथ, जो कि टोल से बिल्कुल पहले है, उसके बिल्कुल साथ में आपको ये प्लूटस वर्ल्ड मिल जाएगा। और आप चलो अंदर चलते हैं, एक्सप्लोर कराते हैं और प्राइजेस, टिकट प्राइजेस वगैरह बताते हैं आपको। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं और एंड तक ज़रूर देखना। सो यहाँ पे आपको सारे टिकट प्राइजेस डिस्प्ले हो रहे हैं, तो आपको अगर रोक के स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो ले सकते हो। सो हमने जो ट्रैम्पोलिन पार्क की टिकट बाय करी थी, वो करी थी हमने 30 मिनट्स की, वो थी 400 रुपीज़ की, जिसमें हमें एक्स्ट्रा सॉक्स का पेयर लेना पड़ता है, जो कि टिकट में इंक्लूडेड नहीं होता, वो हमें अलग से लेना पड़ता है। तो सॉक्स के पेयर का प्राइस है वो 70 रुपीज़ पर पर्सन सॉक्स के पेयर का प्राइस है। और यहाँ पे आपको एक कार्ड बनवाना पड़ता है जिससे आप गेम्स वगैरह यहाँ पे खेल सकते हो, और 700 का मिनिमम लिमिट है कार्ड बनवाने की, जिसमें से 30 रुपीज़ आपको कार्ड के चार्जेस पे करने पड़ते हैं और 670 रुपीज़ आप यूज़ कर सकते हो कोई भी गेम खेलने के लिए। और अगर आपके कार्ड में कुछ भी पैसे बच जाते हैं तो आप सेकंड टाइम आके उसको यूज़ कर सकते हो और कार्ड में और भी मनी ऐड कर सकते हो, पर वो कार्ड में से रिफ़ंड नहीं हो सकते पैसे। अगर कोई पेरेंट्स वगैरह भी बच्चों के साथ आते हैं तो वो ऊपर बैठ सकते हैं। ऊपर एक कैफ़े भी है, खाने पीने के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ें भी आपको मिल जाएगी कैफ़े के अंदर, और काफ़ी सारी गेम्स भी है, जैसे ट्रैम्पलिन हो गया, कार वाली गेम्स भी है, और थोड़ी बहुत पूल स्नूकर्स वगैरह भी हैं। और यहाँ पे आप क्रिकेट सा नेट सा बना हुआ है वो भी खेल सकते हो, उसके लिए थोड़े अलग से चार्जेस है, वो आपको मैंने चार्जेस की लिस्ट दिखाई दी है। वैसे तो 45 मिनट्स मैक्सिमम आप यहाँ पे रुक सकते हो, क्योंकि ज़्यादा कुछ है नहीं, छोटा सा ही एरिया है। आप 45 मिनट्स में काफ़ी देर खेल लोगे, एक्सप्लोर भी कर लोगे, तो इससे ज़्यादा टिकट लेने का मतलब ही नहीं है। और यहाँ पे इतनी ज़्यादा चीज़ें भी नहीं है कि आप कर सको। और अगर आपको जेन्युइन रिव्यू दूँ तो काफ़ी अच्छा था प्लूटस वर्ल्ड, और यहाँ का स्टाफ भी काफ़ी फ्रेंडली नेचर का था, खुद ही आके आपके साथ काफ़ी सारी गेम्स वगैरह बताते हैं और आपके साथ ये वाली एक्टिविटीज़ वगैरह भी करा देते हैं। काफ़ी अच्छा नेचर था, अगर आप आओगे तो काफ़ी इंजॉय करोगे। सो एक बार विज़िट ज़रूर करना, छोटे बच्चों के लिए तो बहुत अच्छी प्लेस है ये, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी बहुत गेम्स है, बट बहुत ज़्यादा तो नहीं है, बट थोड़ी बहुत है, आप इंजॉय कर सकते हो छोटे बच्चों के साथ। और बड़े भी यहाँ पे अगर ट्रैम्पोलिन पार्क में आते हैं तो इंजॉय ही करेंगे, काफ़ी मज़ा आएगा। तो एक बार आना ज़रूर और विज़िट करना यहाँ पर प्लूटस वर्ल्ड। ये जो प्लेटफॉर्म देख रहे हो इस पर काफ़ी छोटे बच्चे ऊपर चढ़ सकते थे, क्योंकि जो इसका एरिया था चढ़ने के लिए वो काफ़ी कम था। और एक और बड़ी अमेजिंग दी थी इसमें, उन्होंने अपनी जैकेट्स वगैरह दी थी, बट इसमें हम चिपक नहीं पा रहे थे क्योंकि इसमें जो वेट लिमिट थी वो थी 30 to 35। सो इस वजह से ये छोटे बच्चे ही कर सकते, हमारे लिए तो ये एक्टिविटी बिल्कुल नहीं है। पीछे सॉन्ग्स वगैरह भी चल रहे थे इसलिए ओरिजिनल वॉइस को हम इतना दिखा नहीं पाए, क्योंकि कॉपीराइट आ जाता, फिर यूट्यूब वीडियोस वगैरह डिलीट कर देता। सो ये आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना।
अगर आपको अभी तक व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट्स में बता देना आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा। और जाने से पहले चैनल को ज़रूर कर देना सब्सक्राइब, ताकि और ऐसी अमेजिंग वीडियोस आप हमारे चैनल पे देख पाएँ और हम ऐसे ही और एक्सप्लोर करते रहे काफ़ी सारी जगहों को। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक। अगर आपको प्लूटो स्वर्ड की लोकेशन चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लोकेशन डाल दिया, वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। और इनकी एक ऑफिशियल वेबसाइट भी है प्लूटस वर्ड के नाम से, तो आप वहाँ जाके भी चेकआउट कर सकते हो। कोई क्वेरी वगैरह है तो वहाँ पे आप क्लियर कर सकते हो इनसे रिलेटेड। सो कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको किस टाइप का कंटेंट देखना मेरे चैनल पे अच्छा लगता है, ट्रैवल रिलेटेड या ऐसे फ़न रिलेटेड। सो प्लीज़ एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि मुझे पता चले और आगे उससे रिलेटेड मैं और कंटेंट बना पाऊँ और आपको भी दिखा पाऊँ। जैसे कि आप देख रहे हो, सो ये काफ़ी डेंजरस लग रही थी कि ऊपर से कहीं हमें लग तो नहीं जाएगी, तो भैया ने कहा ऐसा कुछ नहीं लगेगा, पर हिताशी ने कहा कि एक बार आप करके दिखाओ उसके बाद हम जाएंगे। सो भैया कहते ठीक है मैं जाता हूँ। फिर उसके बाद जब हम गए तो काफ़ी मज़ा आया और ऐसा कुछ लगी वगैरह नहीं, काफ़ी अच्छा था। अगर आप यहाँ पर आओ तो ये वाली चीज़ ज़रूर ट्राई करना। सब हम पहुंच चुके हैं बीकानेर, हम वहाँ से काफ़ी जल्दी फ्री हो गए थे, हमें लगा बस और कुछ करने के लिए है नहीं तो हम आगे, ये अपोजिट साइड ही था बीकानेर तो हम यहीं पे आ गए। सो अंदर कुछ थोड़ा बहुत चाइनीज़ खा के फिर हम उसके बाद जाएंगे घर। सो चलो अंदर चलते हैं, आपको इंटीरियर दिखाते हैं कि इसका कैसे बना हुआ है। यहाँ पे हमने मंगवाया था, वो मंगवाए थे वेज नूडल्स जो कि काफ़ी अच्छे थे, और मंगवाई थी टिक्की जो कि वो भी काफ़ी अच्छी थी।